आज पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश का बी हाइव का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो बिफोर यू रीड में हमसे बोला है व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस विद अ जीनियस व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि हु डू यू थिंक ऑफ, मतलब आप किसके बारे में सोचते हैं जब आप ये जो वर्ड है जीनियस का उसे सुनते हैं, कौन होता है एक जीनियस और उसमें क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, तो वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड वॉर स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स हो। तो आज हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने वर्ल्ड को 100 ईयर्स तक एक तरीके से बोल सकते हैं स्टॉर्म में बदल दिया। इन द समर ऑफ 1905, जो समर थी 1905 की, उसमें इस 26 ईयर ओल्ड ने पब्लिश किए क्विक सक्सेशन में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स लाइट के बारे में, अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड द एनर्जी के बारे में। इस वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस का, जो उनका जो वर्क था ये कुछ ही पेजेस का था साइंटिफिक जर्नल्स में, लेकिन इसने पूरी की पूरी हमारी फॉरएवर अंडरस्टैंडिंग स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और इंटायर कॉस्मोस और को बदल दी है ना। और तभी ये जो वर्ड है जी आइंस्टाइन को हम सिनोनियम बन गए जीनियस के। सपोज यहाँ इसका मतलब है कि अगर कोई जीनियस बोल रहा है ना तो आप उसकी जगह आइंस्टाइन का यूज़ करते होंगे ना। जैसे आपने कई बार सुना होगा अपने फ्रेंड से कि अरे भाई तुम तो आइंस्टाइन बन रहे हो उस तरीके से। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल राइज़। तो 50 साल के बाद भी डेथ के एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वह अभी भी जीनियस है ना। और मतलब अभी तक ऐसा आप नहीं बोल सकते कि आपने कोई, वैसे आए हैं और भी है बट ऐसा हमसे यहाँ पे बोला है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन डेट ही वॉज डिजाइन फॉर ग्रेटनेस। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर टॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक टू हर, हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। तो यहाँ पे हमसे बोला है एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो 1879 को हुए थे जर्मन सिटी ऑफ ओल में, उनमें आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि कोई उसमें उन, मतलब यहाँ पे हमसे बोला है कि उनमें कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि वो ग्रेट होंगे है ना। और कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके बदले उनकी मम्मी जो थी वो सोचती थी कि एल्बर्ट जो है फ्रीक है। अब देखो फ्रीक मतलब क्या होता है, एक वर्ड यूज होता है डिसअप्रूविंगली उनके लिए जो टॉक करते हैं कोई पर्सन का हु इज अनयूजुअल एंड डोंट बिहेव लुक और लाइक अदर्स, मतलब जो दूसरों की तरह नहीं दिखता है। और उनका हेड जो था वो दूसरों से थोड़ा सा बड़ा दिखता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, और जब वो 2.5 साल के हो गए थे तब तक उन्हें बोलना नहीं सीखा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही यूटर्ड एवरीथिंग फर्स्ट, अब जब उन्हें लर्न मतलब बोलना सीखा था तो वो हर चीज़ को डबल रिपीट करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि उन्हें अपने प्लेमेट्स जो उनके साथ खेलते हैं उनके साथ क्या करना है, तो वो लोग मतलब तो उनको ये चीज़ भी नहीं पता थी तो वो लोग उनको ब्रदर बोलिंग बोलते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो वो ज़्यादातर टाइम में खुद से ही खेलते थे, मतलब खुद के साथ ही खेलते थे। स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टम आता ही से टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो वो अपनी जो मतलब उनको ज़्यादा, आप यहाँ पर समझ लो कि उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे, तो जब उनकी सिस्टर होती है तो वो माजा तो वो बोलते हैं कि हाँ तो ठीक है बट इसके व्हील्स कहाँ है, चके कहाँ है ना। अभी यहाँ पे हमको एक अच्छी चीज़ बताई है कि उनने इतना लेट क्यों बोला। तो यहाँ पे हमसे बोला है ऑटो नाइकबर द हिस्टोरियन ऑफ एशियन मैथमेटिक्स टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट हिज कैरेक्टराइजेस एज अ लीजेंड बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वॉज अ लेट टॉकर। हिज पेरेंट्स वर वरीड एंड लास्ट एट अ सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। तो मैं आपको यहाँ से भी समझाई थी बट पूरा समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब एक हिस्टोरियन थे एशियंट मैथमेटिक्स के जिनका नाम था ऑटो नाइकबर, उनने आप मतलब यहाँ पे हमसे बोला है कि आइंस्टाइन की पहले की लाइफ कैसी थी एक जीनियस या एक लीजेंड बनने के पहले। तो वो हमको बताते हैं
कि आइंस्टीन ने हमको पता है अब भी हमने ऊपर देखा था कि वो 2.5 साल तक कुछ नहीं बोले तो वो एक लेट टॉकर थे, उनके पेरेंट्स जो थे उनको मतलब डर लगता था कि आखिर ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा। एक दिन की बात है जब वो लोग सपर टेबल मतलब जब हम डिनर करते ना रात में वहाँ पर खाना खा रहे थे, तो फिर उनका साइलेंस जो है वो टूटता है और वो बोलते हैं कि द सूप इज़ टू हॉट, है जो सूप है बहुत गर्म है। तो उनके पेरेंट्स को एक तरीके से हम बोलते हैं रिलैक्स मिलता है और वो पूछते हैं कि अब तक तुमने कोई वर्ड क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो बोलते उस तरीके से जैसे वो मतलब बहुत कुछ बोल सकते हो, है ना। तो एल्बर्ट क्या रिप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब सही तो हो रहा था। तो मतलब यहाँ पर हमको ये बताया है। देन हमसे बोले हैं यहाँ पे, A head master once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. तो यहाँ पे हमसे बोला है कि जो हेड मास्टर थी आइंस्टाइन के, उनने एक बार उनके फादर से बोला था कि आइंस्टाइन क्या प्रोफेशन चूज़ करता है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ऐसे भी कई टीचर्स मिलते हैं। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने वायलिन जो होता है वो बजाना सीखा था 6 की एज में, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो ये चाहती थी। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो उनकी जो मदर थी वो ये चाहती थी, स्टीव करते थे, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो एमेच्योर वायलिनिस्ट थे। देखो इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन। कोई चीज़ आप अपने पसंद के लिए करते हो बजाय आपका कोई प्रोफेशन हो। जैसे सपोज़ हमने कई लोगों को देखा है, जैसे अगर कोई काम कर रहा है दूसरा ये नहीं कि उसको कोई चीज़ में इंटरेस्ट हो। जैसे पढ़ते हम सब लोग हैं, लेकिन सबका इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। कोई को डांस में इंटरेस्ट हो सकता है, कोई को सिंगिंग में होता है, कोई को ड्राइंग में होता है, कोई को गेम्स में होता है, कोई को आर्ट एंड क्राफ्ट में होता है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे हमसे बोला है कि वो पढ़ते तो थे, लेकिन उनको वायलिन बजाने में, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी, तो इस तरीके से उन्होंने उसमें और आगे तो नहीं बढ़े, बट ये अपने प्रोफेशन के लिए नहीं रखा, बट उन्होंने इसको मेनटेन रखा था। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो एक बैड पीपल, मतलब एक बोलना चाहिए पीपल, हाँ सबसे पहले मैं ये बता दूँ, देखो PEOPLE का मतलब होता है जब हम लोगों की बात करते पीपल, लेकिन PUPL PIL का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट के बारे में, आप समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमसे बोले कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, उन्होंने अपना हाई स्कूल मुनिक में किया, जहाँ पे आइंस्टाइन की जो फैमिली थी वो जब 15 साल के थे तभी आ गई थी, और वो हमेशा हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। लेकिन आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। अब स्कूल का जो रेजिमेंटेशन, देखो यहाँ पर रेजिमेंटेशन का मतलब है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। जब कोई ऑर्डर या डिसिप्लिन जो है वो एकदम एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम पे हो, तो ये उनको स्कूल का बिल्कुल भी रेजिमेंट पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और कभी कभी उनके टीचर से भी बहसबाजी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो ट्रिपल्ड एट देम दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो एक बार तो उन्होंने ये भी सोचा था जब वो 15 के थे कि वो अपना स्कूल छोड़ेंगे अपने अच्छे के लिए। अब यहाँ पे हमसे बोले द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलन। अब पिछले साल में जो एल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो मिलन चले गए और अपने बेटे को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन मतलब एक लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने ये सोचा कि वो अपनी जो हायर स्टडीज़ है वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में कंप्लीट करेंगे, जो सिटी यहाँ से मोर लिबरल है मुनिक से। देखो लिबरल का मतलब होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, जो दूसरों के ओपिनियन को मतलब कोई से सलाह मशवरा लेते हैं ना, तो दूसरों के ओपिनियंस को भी प्रायोरिटी दें और उनको समझ सके, इस तरीके से जो ज़्यादा लिबरल थी मुनिक से वहाँ पर उन्होंने सोचा। फिर आगे बताया है आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनको मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, और उन्होंने जब अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया था उन्होंने डिसाइड किया था कि आगे की जो अपनी स्टडीज़ है उन्होंने यूनिवर्सिटी जो है यूरिक में उसमें कंप्लीट करेंगे। लेकिन साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको पसंद है। डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस मस्टैच, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो थोड़ा फैशनेट अच्छे से रहते थे, है ना, अच्छे से तो सभी रहते हैं,
मतलब फिर भी इस तरीके से यहाँ पे हमको बोला है, जैसे यहाँ पे आप ये वाली पिक तो हमको दिखती नहीं है, ज़्यादातर ये वाली पिक जो है आइंस्टाइन की आती है। तो देखो आइंस्टाइन जो थे 1900 में एट द एज ऑफ 21 जब उनकी 21 के होते इस तरीके से, और जैसा कि हम जानते हैं उनको 1995 में है ना, इस तरीके से हमने फोटो देखी होगी। अब यहाँ पे हमसे बोला है ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, उनको एक फेलो स्टूडेंट में इंटरेस्ट था जिसका नाम था मिलेवा मालिक, होम ही हैड फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसको वो समझते थे मतलब वो बहुत दिमागदार है, अच्छी है ना। दिस यंग सब हैड केम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन यूरी वॉज वन ऑफ द फ्यू यूरोपियन वुमन कुड गेट डिग्रीज। तो ये जो यंग सब थी ये स्विट्जरलैंड से आई थी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी यूरी की ये कुछ ही थी जो यूरोप में, मतलब कुछ ही यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो वुमेंस को डिग्रीज देती थी, इसलिए वो वहाँ से यहाँ आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेन फिलिस्टाइन्स, मतलब उनने इसमें एक फिलिस्टाइन्स देखा। देखो फिलिस्टाइन्स का मतलब होता है कि अ वर्ड यूज्ड डिस्प्रोंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक। तो मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन भी ऐसे ही थे जिनको इस तरीके के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, जिसको किसी में भी इंटरेस्ट ना हो, ना लिटरेचर में, ना म्यूजिक में, ना आर्ट में, और वो यही चीज़ किसमें देखते हैं, मिलेवा में भी दिखती है उन्हें। तो दोज पीपल इन हिज फैमिली एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स और द कपल फेल इन लव, और फिर उनको लव हुआ। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, और जो उनके लेटर्स हैं जिसमें उन्होंने वर्ड्स में अपना अफेक्शन बताया, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस भी उनने मिक्स की है। इसमें आइंस्टाइन लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वैन वी ब्रोथ अवर वर्क ऑन रिलेटेडली टू योर विक्ट्रियस कॉन्क्लूजन। तो वो कहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है जब ये दोनों अपने लेटर्स में साइंस को मिक्स करके लिखते हैं। फिर आगे हमसे बोला है इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे और अनएम्प्लॉयड थे, कब 1900 में एज ऑफ 21। देन ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो अब उन्होंने पहले देखो स्टार्टिंग में टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, प्राइवेट लेसन्स दिए, और उसके बाद उनको एक जॉब 1902 में मिली एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिस्टिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। ही थे He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। तो उनको बहुत मज़ा आता था जब वो, मतलब देखो एक तो वो क्या थे, हाँ पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट थे, तो उनको काम दूसरों के इन्वेंशन पे करना पड़ता था, लेकिन वो अपने खुद के इन्वेंशन भी करते रहते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट इंडेंट, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शेयर द सेम टाइम इफ दे केम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो देखो अब यहाँ पे हमसे बोला है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस पेपर, देखो पेपर यहाँ पे हम जो नॉर्मली पेपर देखते हैं या लिखते हैं उस पर उसकी बात नहीं है, पेपर मतलब होता है कि जब कोई साइंटिस्ट अपनी कोई एक तरीके से बोल सकते हैं इन्वेंशन को लिखता है ना, तो उसको पेपर बोलते हैं कि एक नया पेपर निकला है, मतलब एक नया इन्वेंशन है। तो यहाँ पे हमसे बोला है 1905 में आइंस्टाइन का जो फेमस पेपर था वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें उन्होंने कहा था कि जो टाइम है और जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जो दो क्लॉक्स हैं वो अगर आपको सेम टाइम शो कर रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम सेम हो, इस तरीके से वो बताते हैं। और फिर हमसे बोला है कि यही पे जो मास और एनर्जी है उसका सबसे बड़ी रिलेशनशिप आई है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे हमको दिया है इक्वल्स टू MC2। यहाँ पे हमसे बोले इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E जो है एनर्जी के लिए स्टैंड करता है, M मास के लिए स्टैंड करता है, और C जो है वो स्पीड ऑफ द लाइट के लिए करता है जो वैक्यूम में चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बोला है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड से,
अब उनने मतलब देखो समझाने के लिए हमको ये दिया है, इतना बड़ा तो एकदम से हमको समझ आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमसे बोले है कि एग्जाम्पल क्या देते हैं, देखो, वैन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक अ 2 मिनट्स, एंड वैन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। उन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया है कि जब आप एक अच्छी लड़की मतलब नाइस गर्ल के साथ 2 घंटे के लिए बैठोगे तो आपको 2 मिनट जैसा लगेगा, और अब जब 2 मिनट स्टोव पर बैठोगे तो वो आपको 2 घंटे जैसा लगेगा। तो ये एक रिलेटिविटी है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमको बताया है। फिर आगे हमसे बोल रहे हैं, व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो जब बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम फिजिक्स में सॉल्व करते थे, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो भी मतलब अनरेवलिंग, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग टू फेल, मतलब ठीक ठाक बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। एल्बर्ट जो थे वो चाहते थे कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मिलेवा से वो मैरिज करेंगे, बट उनकी जो मदर थी वो उसके अगेंस्ट थी। उन्होंने सोचा कि जो मिलेवा है वो 3 ईयर्स यंगर है, मतलब 3 साल बड़ी थी वो उनके सन से, तो बहुत ओल्ड होंगी उनके लिए। और वो ये भी बोलते कि मिलेवा जो है वो तुम्हारी जैसी बुक है। तो आइंस्टाइन उस टाइम तो उनकी वेडिंग नहीं हो पाई। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन वो लोग फाइनली जनवरी 1906 में सॉरी 3 में शादी करते हैं, एंड हैड 2 सन्स और उनके 2 बेटे होते हैं। लेकिन कुछ साल बाद जो मैरिज है वो फॉल्टर का मतलब होता है कमज़ोर पड़ जाती है मिलेवा जो है। मीनवाइल लॉसिंग उसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन वो खोने लगती है और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती है। फिर आफ्टर इयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग यहाँ पे हमसे बोला है जो कपल है वो फाइनली डिवोर्स ले लेता है एक दूसरे से 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और फिर जो आइंस्टाइन है वो अपनी जो कज़न एल्सा उससे उसी साल में वो शादी करते हैं। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंप्लीटेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। लेकिन अब इसके बाद आइंस्टाइन की लाइफ में एक नया चैप्टर खुलता है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डाली विच प्रूव्ड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी हमको बताया। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोथ प्रूफ डेट इट वॉज एक्यूरेट होगा। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड एन एडवांस एक्सटेंट विच द लाइट फ्रॉम स्पेस स्टार्स वुड बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे आप इतना समझ सकते हो कि जो आइंस्टाइन थे 1915 में उनकी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत फेमस हुए वो। उनकी कई जो है वो पेपर्स भी आए ग्रेविटी के लिए, एक्लिप्स ऑफ द सन के लिए और स्टार्स के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। तो मतलब उन्होंने बहुत पेपर्स निकाले थे, तो तरीके से उस टाइम ऐसा उनके वर्क को माना गया साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। तो आइंस्टाइन जो थे उनको नोबेल प्राइज मिले था फिजिक्स का 1921 में। उन्होंने शॉवर्ड किए ऑनर्स, इन्विटेशन आने लगे थे उनको पूरे वर्ल्ड से एंड लॉडेड बाय द प्रेस। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933 आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जब जो नाजीस थे वो जर्मनी में आ गए थे 1933 में, तो आइंस्टाइन जो है वो इमिग्रेट मतलब यूनाइटेड यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। 5 ईयर्स लेटर 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिशियन एंड एप्रो तो वेरी अपसेट। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि 5 साल बाद जब न्यूक्लियर फ्यूजन डेवलप हो जाता है बर्लिन में, तो जो अमेरिकन फिजिशियंस थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फिजिसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। तो आइंस्टाइन भी दुखी थे इस चीज़ से, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। तो उनको इस चीज़ का बहुत डर था कि कहीं जो नाजीज है वो एटॉमिक बॉम्ब ना यूज़ करें। जैसे आपने 9th की साइंस में पढ़ा होगा एटम्स के बारे में, तो आपने देखा होगा एटम कितना छोटा होता है, मतलब उसका इमेजिनेशन भी हम नहीं कर सकते, बहुत छोटा होता है वो। और जब उस इतने छोटे पार्टिकल में इतना पावर होता है कि
क्योंकि तभी तो एक एटॉमिक बॉम्ब नाम इसका इसलिए रखा है ना क्योंकि एटम से ही बने हैं, क्योंकि इसमें पावर बहुत होती है तो उसी का ये बॉम्ब बना है, तो इसमें बहुत पावर थी है ना, तो इन्हीं का उनको डर था कि कहीं वो लोग इसे यूज़ ना कर ले, बट यूज़ तो हुआ था है ना। एट द आर्गिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो इसके इसके लिए उन्होंने लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वॉन्ट, जिसमें उन्होंने बोला था कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि वो उनको वो उनको लेटर में लिखते हैं कि अगर इस तरीके का बॉम्ब जो है कोई पोर्ट पे आप एक्सप्लोड करते हो या डालते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पोर्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि उसके आसपास का जो एरिया है उसको भी बहुत वो मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड डिड नॉट फॉल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन उनका इससे कोई मतलब देखो इफेक्ट नहीं होता। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो यहाँ पे जो अमेरिकन है वो एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप कर लेते हैं और फिर वो जापानी सिटीज जो हिरोशिमा नागासाकी में डाल देते हैं अगस्त 1945 में। तो कितना बहुत डिस्ट्रॉय हुई थी सिटीज उस वक्त। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन जो है वो बहुत बुरी तरीके से एक तरीके से बोल सकते हो इससे उनको झटका टाइप का लगता है, उनको बहुत बुरा लगता है इसके लिए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस, फिर वो एक लेटर लिखते हैं उसमें ये जो है ये बोलते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए, मतलब जैसे हर कंट्री अपनी अपनी गवर्नमेंट चला रही है ये चीज़ तो सही है, लेकिन एक ऐसी भी होनी चाहिए जो कोई वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो जिससे पूरी दुनिया अगर कोई कंट्री कोई गलत काम कर रही है तो उसको रोकी जा सके, इस तरीके से वो बोलते हैं। लेकिन जैसा रूज़वेल्ट को ने लेटर लिखा था इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता लेकिन हाँ तो देखो डेकेड मतलब होता है जिसमें 10 ईयर्स आते हैं है ना, हाँ 10 ईयर्स आते हैं, 1 डेकेड यानी 10 ईयर्स। हाँ तो मतलब नेक्स्ट डेकेड में जो आइंस्टाइन है वो और इन्वॉल्व होते गए पॉलिटिक्स में। डेकेड मतलब मैंने आपको अभी बताया मतलब 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसमें है ना। और फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, इसके लिए वो बढ़े कि वो पीस और डेमोक्रेसी जो है वो और आगे फैला सके। व्हेन आइंस्टाइन डेड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, तो जब आइंस्टाइन की डेथ हो गई थी 1955 में एट द एज ऑफ जब वो 76 ही थी, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius, तो उनको एक वर्ल्ड सिटीजन माना गया और एक साइंटिफिक जीनियस भी। ठीक है तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, थैंक यू।